ससना बहादुरपुर में डी बाबा के स्थान पे भंडारे के आयोजन में उपस्थित हुए हैं। इस अवसर पे आप इस यहाँ के ग्राम वासियों को क्या संदेश देंगे और इनके लिए क्या मैंने दिशा निर्देश जारी करें? आज जो हम लोग लंगड़ा डी बाबा के एकत्रित हुए हैं, यह स्थल बहुत ही पवित्र और शिरोमणि है। बहुत यहाँ अच्छा लग रहा है, जो आकृति बनी है प्राकृतिक, यहाँ की बहुत आवश्यकता है। बगल में जितने गांव जुड़े हैं, चाहे बनकरा हो, शिवपुर मटिया हो, आपके सिसड़ कला है, ये ससना बहादुरपुर, सभी एक साथ यहाँ पे एक भाईचारा और आपस में सद्भाव, बैठने की एक अच्छी व्यवस्था है। यहाँ समाज की अच्छी संरचना की जो सुविधा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ के गांववासी यही चाहते हैं कि इस स्थल का विकास हो, सुंदरीकरण हो, यह स्थल चारों तरफ से मुख्य मार्ग से जुड़ जाए। मुझे लगता है इसकी प्राथमिकता होनी चाहिए और मैं इस धरती से, पवित्र धरती से साक्षी मान करके डी बाबा की और यहाँ के लोगों को यह वादा करना चाहता हूँ कि जब भी मुझे मौका मिलेगा, यह जो रमणीय स्थल है जिसको आवश्यकता है सुंदरीकरण की और जिस स्थल को चारों तरफ से मुख्य मार्ग से जोड़ने की जो आवश्यकता है, यह कार्य पूरा करना बहुत जरूरी है, जिसे मैं करने की कोशिश करूंगा। आगे विधानसभा का चुनाव कुछ ही दिन में आ रहा है, तो आप किस पार्टी से दावेदारी ठोकने के लिए तैयार हैं इस विधानसभा से? ये काम चर्चा है, लोगों का इतना प्यार स्नेह है कि जब कोई भी दल के लोग झंडा लेके गांव में जाते हैं तो उनकी चर्चा ना होती है, चर्चा मेरी खड़ी होती है कि छठूराम किस दल से आएंगे। मैं लोगों के दिल की बात को समझता हूँ और उनका सम्मान भी करूँगा। यह तय है, यहाँ की जनता चुनाव लड़ना चाहती है और लोगों का प्यार स्नेह मिल रहा है। सिंबल जरूर होगा, समय आने पे लोगों की भावनाओं की कदर किया जाएगा।